माचिस जलाकर ऐसा जीप पे लगाएंगे तो एक टर्म है जिसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर, कोई भी चीज आग बैठ जान भाई चीज में आग तभी लगेगी जब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचेगा. इग्निशन टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस कैचेस फायर. कोई भी सब्सटेंस उसके इग्निशन टेम्परेचर पर ही आग पकड़ता है. उससे कम टेम्परेचर अगर रहा तब तक आग नहीं पकड़ेगा. अगर गीली लकड़ी है उसको आप जला के आग वो आग नहीं पकड़ेगी. अब उसके बाद जब वो उसके अंदर जो वाटर है वो वाटर निकल जाएगा, ठीक है, तब जाकर इवेपोरेट हो जाएगा, तब जाकर वो क्या कहते हैं इट विल कैच फायर. तो अब यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि अब जैसे जलाकर ऐसा जीप पे लगा देंगे या अंदर डाल देंगे, दो दो चीजें दिखाता हूँ. गीला है तो इमीडिएटली इग्निशन टेम्परेचर आग तो नहीं लगेगी क्योंकि जीप जो है वो सूखी नहीं है तो वो इग्निशन टेम्परेचर तो अटेंड कर नहीं पाया टैंक. और इसका जो टेम्परेचर जैसे आपने जलाकर इसको अंदर डाला मुंह बंद किया ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ और कक्को लगा है ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ सर कक्को लगा कक्को कक्को पे ही लग जाना यार ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ और इसलिए सप्लाई कट ऑफ हो गया. सुनो सुनो इसलिए बंद हो जाती है. अगर भूल से आपको ऐसा फील हो कि नहीं जल रही है तो तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करो, बाहर मत निकालो लेकिन एक्सहेल करो. ऐसे अंदर से जोर लगा है तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आई अपने आप एक्सटिंग्विश हो जाएगी. तो इट इज ऑल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री.